नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें खबरें फटाफट में। कल हिमाचल को करोड़ों की सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम का 8 साल में 12वां दौरा। पूना में रेल लाइन, बल्क ड्रग पार्क और चंबा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। इंदिरा गांधी खेल परिसर ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी, दौरे के दौरान मिलेगी 8,000 करोड़ की सौगातें। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर। गंबर पुल के पास 3 पर्यटकों की मौत, चंडीगढ़ मनाली NH पर 500 फुट गहरी खाई में गिरी कार। सुंदरनगर के ललित चौक पर लगा जाम, कार ने पहले आगे चल रही वोल्वो बस को टक्कर मारी और फिर बिजली के खंभे से टकराई गाड़ी। पोंटा शहर में केमिकल इंडस्ट्री में भड़की आग, ऊंची उठती लपटों ने राख में बदला लाखों रुपए का सामान। फ्लॉप साबित हुए प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे, प्रतिभा सिंह बोली कांग्रेस प्रदेश में 14 से करेगी परिवर्तन का आगाज। हिमाचल में प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा विधानसभा चुनाव, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कसा तंज। हिमाचल में वोटर्स के हिसाब से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र दूसरे स्थान पर, चुनाव में 99,692 मतदाता डालेंगे वोट। डहर में बारिश का कहर, मकान में घुसा 4 लेन का पानी, टेंट हाउस भी चपेट में आया। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह, मेहंदी लगवाने को जुटी भीड़, सैलून भी हुए जैम पैक। मनरेगा मजदूर यूनियन ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, मांगे मनवाने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मां चिंतपूर्णी के दर पहुंचे देश विदेश से हजारों श्रद्धालु, 800 गाड़ियों में अमेरिका, कनाडा और इटली के भक्तों ने भरी हाजिरी। पूना में अंडर-14 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए रोचक मुकाबले, जीत के लिए खिलाड़ियों ने खूब बहाया पसीना। सफर को रोमांच से भर देगा बिलासपुर में गोविंद सागर पर बना कीरतपुर नेर चौक 4 लेन का पुल, मुसाफिरों को जल्द मिलेगी सुविधा। रिटायरमेंट एज 60 साल न करने पर गुस्साए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सरकार पर लगाया सोतेलेपन का आरोप। खबरें फटाफट में अभी के लिए बस इतना ही, शाम 6 बजे देखिए शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।